क्या खवातीन गोल्ड पैर में पहन सकती हैं, या फिर खवातीन इमिटेशन की ज्वेलरी पहनकर नमाज पढ़ सकती है क्या? इमिटेशन मतलब गोल्ड के अलावा 1 ग्राम या सिल्वर या लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, प्लैटिनियम, एक्स वाई जेड होता है जो इमिटेशन बोला जाता है, या 1 ग्राम भी आजकल कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिए, औरत के लिए गोल्ड जिस्म पर कहीं भी पहनना उसके लिए जायज़, इन द सेंस कि नथ में पहन सकती है, बालियों में पहन सकती है, गले में पहन सकती है, हाथों में पहन सकती है, बेल्ट की शक्ल में ऊपर से पहना जाता है, अरबों में बहुत कॉमनली होता है, साउथ इंडिया में हमारे पास देखिए बेल्ट डालते हैं गोल्ड का, बेल्ट की शक्ल में पहन सकती हैं। उसके बाद पाजेब उस गोल्ड के हो सकते हैं, गोल्ड की रिंग्स उसके पैरों की उंगलियों में हो सकती है, गोल्ड की रिंग्स उसके हाथों की उंगलियों में हो सकती है, पूरे हाथों से गोल्ड रिंग लेकर यहाँ आकर उसका वो क्लिप वो भी हो सकता है, कड़े की शक्ल में हाथ वो भी कर सकती है, कोई ऐसी मसला नहीं। तो गोल्ड की ऑर्नामेंट औरत सर से लेकर पैर तक जहाँ जहाँ ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं वहाँ पहनने में उसके लिए कोई मसला नहीं, चाहे पैर हो, चाहे सर हो, चाहे गला। तो सवाल का दूसरा हिस्सा था, क्या औरत इमिटेशन ज्वेलरी पहनकर नमाज पढ़ सकती है? तो देखिए, इमिटेशन ज्वेलरी पहनने में इस औरत को कोई मजायका नहीं है, सिवाय इसके कि आपसे को अगर पूछे ये गोल्ड है क्या, तो आपको बोलना पड़ेगा ये गोल्ड नहीं है, इतना आपको वो करना होगा। जैसा मिसाल के तौर पर कोई आए, अरे माशाल्लाह बाजी बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, कितने तोले का है? अब तोले से मुराद क्या है? ये सोने को हमारे पास तोले में काउंट होता है, इवन कोई चांदी को भी तोला नहीं पूछता, चांदी को तो कोई बेचारी को वैल्यूज नहीं रही, उसको साफ ही कर दिया, उसको पैरों में पहन रहे छल्ले, पैरों में छल्ले पहनते उसके, हाथ के छल्ले सोने के, पैर के चांदी के रहते हैं, ठीक है? तो लिहाजा उसकी तो वैल्यू नहीं रही बेचारे, तो तोले का मीनिंग आ गया गोल्ड। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, ये गोल्ड नहीं है, ये 1 ग्राम है। 1 ग्राम मतलब कोई भी ऑर्नामेंट होता है, समझो उसका वेट है 50 ग्राम्स, तो उससे 1 ग्राम गोल्ड होता है, सिर्फ 1 ग्राम आता है उसके अंदर, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन 1 ग्राम गोल्ड रहता है उसमें, कोई भी चीज़ में सिर्फ 1 ग्राम, उसको बोलते 1 ग्राम ज्वेलरी। तो 1 ग्राम है, इमिटेशन है, सिंपल इमिटेशन है, पॉलिश्ड है, बोलना पड़ेगा आपको, तब आप ही नहीं बोल सकते नहीं है 10 तोले का है, बस हमारे शौहर से घूमते घूमते जा रहे थे दिला दिए उन्होंने, झूठ हो जाएगा फिर। तो ये तो पहनने में कोई अर्ज नहीं, नमाज पढ़ने में भी कोई अर्ज नहीं, न तो उसने पहनी हुई प्लैटिनम की या कोई और 1 ग्राम की या इमिटेशन की, हाथों में जो है रिंग्स है, इमिटेशन रिंग्स है, इसी तरह जो पैरों में कुछ है, तो कोई मसला नहीं, इसे नमाज का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। किसी को मैंने एक देखा, किसी साहब ने कहा कि इमिटेशन ज्वेलरी पहन के नमाज नहीं होती, उसे कोई दलील ही नहीं है, उसे कोई दलील नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना किया, मर्दों को मना किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा सोने की अंगूठी, तो कहा क्या तू हाथ में आग पसंद करता है, उसने उतार के फेंक दी। उसके बाद आपने किसी को देखा पीतल की, तो आपने पसंद नहीं किया, आपने देखा लोहे की, आपने उसको पसंद नहीं किया, आपने देखा चांदी की और आप खामोश रहे, क्योंकि आप खुद भी चांदी की पहनते थे, जो एक चांदी की रिंग थी, रिंग के अंदर एक हबशी नगीना था, मतलब पत्थर था, जो कि ब्लैकिश कलर का था, उसमें अकीक नहीं था, याद रखिए, ब्लैकिश कलर का नगीना था, और उस पर इंग्रेव किया हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये भी क्यों पहनते थे आप मालूम आपको, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत लिखे बादशाहों को, दावत इस्लाम दी, इस सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये बादशाह जो है ना, जब तक मोहर ना लगी मेरे खत को रीड नहीं करते। तो आपने कहा अच्छा, तो मेरे लिए एक मोहर बना दो। तो आपके लिए चांदी की मोहर बना दी गई, जो चांदी का उसका मतलब बेस था और उसका रिंग था, और ऊपर उसके अंदर एक हबशी नगीना था, उस नगीने में इंग्रेव किया हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वो आज भी वो कैसा दिखता था, उसकी कुछ कॉपीज मौजूद है, जो आपने स्टेम्स दिए थे वो खतूत मौजूद है, तो उस पर से लोग देखिए बहुत सारी किताबों के ऊपर गोल्डन कलर है बनाते मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो उसी का वो स्टेम था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खत लिखते थे, खत लिखने के बाद वो मुहर देते थे, वो मुहर इंक में डुबाई जाती थी, लगाकर आप सबको दे दी जाती थी, आप उसको लेते थे और आप उसको कुछ रहता था उल्टा पहनते थे, उसका ऊपर का हिस्सा नीचे पहनते, इसलिए आप देखिए बहुत सारे उलमा जो अंगूठी पहनते हैं उसमें कोई अगर नग भी हो तो वो अंगूठी को उल्टा कर लेते हैं, निचले हिस्से को ऊपर, ऊपर के हिस्से को अंदर पहनते हैं। तो ये था उसका तरीका। तो औरत के लिए कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, वो सोना जो है पहन सकती है जहाँ जैसा भी चाहे, उसमें कोई मसला नहीं। और अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कातो सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।